हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि कोई भी न्यू अपलोड्स आता हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। और कमेंट्स करना ना भूलें, आपका कमेंट्स हमारे लिए पावर होता है। जब आप कमेंट्स करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि कितने लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है ना। और कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं जगजीत जी के द्वारा गाया हुआ बटालवी जी का गाना, एक मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, ये पंजाबी गीत है, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत ही धीमी गति से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप बहुत ही आराम से अगर इसे निकालेंगे तो आप भी इसका आनंद ले पाएंगे। तो ध्यान से देखें, इसे मैं डी शार्प से बजा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनली जगजीत जी भी इसे डी शार्प से ही गाए हैं, तो मैं उसे वहीं से बजा रहा हूँ। ये है, तो मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट मैं दे दूंगा। और ये जो गीत है ये खमाज राग में है, कोमल नहीं लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर हैं। तो ध्यान से देखें, ये देखो, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा, मैनू सासा तेरा रे पमागा शबाब रे शबाब ले ले गरे निसा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। इसी लाइन को दूसरे तरीके से भी गाया गया है, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, तेरा गोरा गुलाब ले बैठा, रंग गोरा, ठीक पहली लाइन की तरह, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। तो ये है कोरस स्थाई, अंतरा इस तरह से है, एक अंतरा मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाकी अंतरा को दूसरे पार्ट में डालूंगा। किन्नी बीती ते किन्नी बाकी ये, नोट्स देखें, किन्नी बीती ते बीती बाकी, फिर से देखें, किन्नी बीती किन्नी बाकी। और इसी लाइन को दूसरे तरीके से भी गाया गया है, वापस कोरस की ओर आने के लिए वो इस तरह से है, किन्नी बीती
फिर से देखें, किन्नी बीतीत किन्नी बाकी है, फिर से किन्नी बीतीत किन्नी बाकी है, एक बार फिर से किन्नी बीती ये लाइन बिल्कुल पहली लाइन की तरह है, मैनू ए हो हिसाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, मैनू तेरा सवाब ले मैनू तेरा शबाब ले बैठा। इस तरह से ये स्थाई है और एक अंतरा मैं इसमें रिकॉर्ड किया और मैं कोशिश किया हूं कि इसे धीमी गति से बजाऊं और बिल्कुल समझा समझा करके बार बार एक ही लाइन को गा करके मैं समझाया हूं ताकि आप उसे समझ सकें। तो अगर आप सही तरीके से निकालना चाहते हैं इसे तो मैं कहूंगा बहुत ही धीमी गति से एक एक शब्द को किन किन स्वरों पर है उसे समझ करके निकालें, और अगर आप पेशेंस रख करके निकालेंगे तो मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं और इसे आप बहुत ही मजे में गा सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। इस चैनल पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ, क्लासिकल, भजन, गजल, मूवी सॉन्ग्स, टिप्स, प्रैक्टिस का टिप्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल, हर एक चीज का जो गाने सिंगिंग से जो संबंधित है, म्यूजिक से जो संबंधित है, तबला, वायलिन, सितार, इन सब चीज़ों का जो टिप्स है, इन सब चीज़ों का जो टेक्निक है उसके विषय में अगर आपको जानना है तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर लें और हर हमेशा जुड़े रहें और कमेंट्स करना ना भूलें। अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक्स भी दबाएं। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।